Hey guys, welcome back to the channel Vlogger Rutik. So in this vlog, I will show you how I have installed fog lamps on my R15. So let's start. तो R15 पर फॉग लाइट्स इंस्टॉल करने के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक स्पेस है नहीं. लाइक ऑन ड्यूक वी कैन इंस्टॉल फॉग लाइट्स ऑन आइदर हैंडल बार और ऑन क्रैश गार्ड. तो इसीलिए मैंने लोकल फैब्रिकेशन स्टोर से ये दो स्ट्रांग मेटल स्ट्रिप्स स्पेसिफिकली R15 के लिए बनवा के लिए है. और फिटिंग ऑफ दीज लाइट्स एंड दैट स्विच आई हैव डन बाय माई सेल्फ एंड बस वायरिंग ऑफ दीज लाइट्स आई हैव डन फ्रॉम आउटसाइड स्टोर. बट देर आर लॉट ऑफ पीपल who fix the fog lights on number plate here on this. But यहाँ पर लगाने से होगा क्या, बिकॉज दिस होल फेयरिंग दिस स्टेशनरी लाइट आपको सिर्फ सामने की तरफ पॉइंट करेगा. तो फिर अगर आप लेफ्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ हैंडल बार टर्न करेंगे तो वो आपको उस डिरेक्शन में पॉइंट करेगा नहीं. और नाइट राइड में हाईवे पर बहुत डार्कनेस होता है तो फिर आपको पावरफुल लाइट्स की बहुत जरूरत होती है. तो इसीलिए मैंने फॉग लाइट्स फोर्क्स पे इंस्टॉल की है. तो अगर मैं हैंडल बार राइट की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ टर्न करूंगा तो लाइट मुझे उस डिरेक्शन में पॉइंट करेंगे. तो अभी दिन में लाइट्स ऑन करके दिखाने में कोई सेंस बनता है नहीं, क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा. तो फिर मैं आपके लिए रात को एक वीडियो शूट करूंगा और उसमें आपको नॉर्मल लाइट्स दैट आर स्टॉक लाइट्स और फॉग लैंप में क्या डिफरेंस है वो पता चल जाएगा. सो गाइज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मैंने लोकल फैब्रिकेशन शॉप से स्पेसिफिकली R15 के लिए मेटल के ब्रैकेट और स्ट्रिप्स व्हाटएवर वो बनवा के लिए थे, सो दैट आई कैन इजीली माउंट लाइट्स ऑन दैट. और वो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैंने उस पर मैट फिनिश स्प्रे मारा था. तो वो भी आपको हार्डवेयर की शॉप में फॉर अराउंड 200 to 250 रुपीज में मिल जाएगा. Bought these lights from Nana Bait for ₹900 and switch for ₹60. So it total costed me around ₹1300 for these lights including wiring. सो गाइज, दिस इज नानापेट. मैंने यहाँ पर लाइट्स की वायरिंग करवा के ली है फॉर ₹150. यहाँ पर लाइट्स की फिटिंग भी करवा के मिलती है, लेकिन मैंने वो घर पर ही कर लिया था. तो नानापेट में आपको हर बाइक के हर पार्ट, डुप्लीकेट, ओरिजिनल सब मिल जाएगा और उसकी फिटिंग भी करवा के मिलेगी. सो सून आई विल मेक वीडियो ऑन दिस प्लेस, दैट इज नानापेट. It will look weird on R15 because of its big size, but night ride के समय हमें बहुत powerful lights की जरूरत होती है, बहुत darkness होता है. तो इसलिए मैंने दिखने में कैसे लगेंगे ये बिना सोचे ही lights लगा ली. So guys, अभी मैं पूरे dark road पर आया हूँ so that we can test fog lamps properly. तो अभी मैं bike की stock lights on करूँगा. So this is stock light of bike, this is lower beam, this is upper beam. Now I will switch on the fog lamps. Yeah, this is the power of fog lamps. Now you can see till the end of road. So जिस बारे में बात कर रहा था, अगर आप फेयरिंग पर फॉग लैम्प्स इंस्टॉल करेंगे तो वो सिर्फ सामने की तरफ आपको पॉइंट करेंगे. तो राइट और लेफ्ट की तरफ अगर आप हैंडल बार घुमाएंगे तो वो उस डिरेक्शन में आपको पॉइंट नहीं करेंगे. तो जैसे मैंने फोर्क्स पर लाइट्स इंस्टॉल की है, तो अगर मैं हैंडल बार को लेफ्ट की तरफ घुमाऊंगा या फिर राइट की तरफ घुमाऊंगा तो उस दिशा में मुझे पॉइंट करेंगे लाइक दैट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन हाईवे दैट लाइट शुड पॉइंट एवरीवेयर. सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। दिस इज ब्लॉगर रुतिक साइनिंग ऑफ।